जो फिल किया है ये मैंने आपसे कहा था कि इसको हम हटा दें तो क्या होगा। तो हाय गाइस, वेलकम अगेन। और लास्ट वीडियो हमने एक छोटी सी बॉल बनाई थी जो कि एक्चुअली में एक सर्कल, ठीक है, 2D में, यू नो, अ बॉल कहना सर्कल, ठीक है ना। तो देखते हैं कि अभी तक हमने क्या बनाया। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि इस बॉल को मूवमेंट देंगे, ठीक है। तो मूवमेंट कैसे देंगे, ये हमारा सर्कल है। पहले बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कैसे मूवमेंट आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो मैं यहाँ पे जो है पोजीशन दी है, एक्स की पोजीशन है, वाई की पोजीशन। तो जैसे जैसे आप एक्स की पोजीशन या वाई की पोजीशन चेंज करोगे आपकी बॉल मूव करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हम देखेंगे कि हमने जो फिल किया है ये मैंने आपसे कहा था कि इसको हम हटा दें तो क्या होगा। तो अभी जो है देखते हैं इसको मूव कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम मूव कैसे करेंगे। तो लेट सपोज दैट कि हम यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, वाइल लूप चलाने के पहले, ठीक है, हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक, यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे स्टार्टिंग की। सो सपोज दैट अगर हमें एक्स बॉल के लिए चाहिए और वाई के बॉल के लिए चाहिए, यानी कि एक्स बॉल और वाई बॉल इसलिए कह रहे हैं, एक्स एक्सिस बॉल के लिए और वाई एक्सिस बॉल के लिए, एक्स एक्सिस मूव करने के लिए एक, यू नो, ये एक्स एक्सिस के लिए एक वैल्यू देनी होगी, फिर वाई एक्सिस देनी होगी। जैसे जैसे एक्स एक्सिस इंक्रीज करेंगे वो एक्स साइज एक्स एक्सिस की तरफ भागेगी, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट हम एक्स बॉल, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू विथ की हाफ, ठीक है, तो विथ की हाफ ले लेते हैं और वाई बॉल यानी कि वाई की जो वैल्यू होगी, एक्स और वाई दो वैल्यू देंगे ना, तो वाई की वैल्यू हमेशा मान लेते हैं हाइट एच ई आई जी एस टी का हाफ, ठीक। तो हम यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे सिंपल, किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स बॉल और वाई बॉल से, ठीक है, वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, आप सोच रहे होगे वाई के बाहर क्यों मैंने लिखा, तुरंत क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स बॉल को अपडेट करेंगे, क्या करेंगे, इस एक्स बॉल को अपडेट करेंगे, कहाँ करेंगे, जहां हमने यू नो फिल किया है इसके जस्ट ऊपर ही इसको हम अपडेट करेंगे। सो इवेंट से बाहर आएंगे, इवेंट से हम बाहर आएंगे और हम इसको करेंगे अपडेट। तो कैसे करेंगे, सपोज दैट एक्स बॉल में हम प्लस करते चलते हैं 10, ठीक है, सिंपल आई थिंक 5% क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा इस स्पीड, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्या है। तो अगर हम इसको रन कराएं तो आप देख सकते हो ये एक्स साइड में आपका आप क्लियरली कह सकते हो कि एक्स बॉल जो है जो विथ है उससे ज़्यादा होगा, अब उससे ज़्यादा स्टार्टिंग होगा, 5000 बढ़ता जाएगा, तो उससे बॉल पे क्या असर पड़ेगा देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो ये देख सकते हो बॉल मूव कर रही है, अब वो बाहर गई अब नहीं आई, वापस नहीं आएगी, ठीक है, गई वो, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे हमने ऐड किया हर बार लूप में जब भी आ रहा है एक्स की बॉल की वैल्यू 5 बार बढ़ जा रही है और हर बार नया रेंडर कर रहा है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब था हम डिस्प्ले फिल को क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, यानी इसको सॉरी इसको कमेंट आउट कमेंट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम डिस्प्ले बॉल नहीं रखते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आगे बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूएशन। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, जब भी आप डिस्प्ले फिल की जब डिस्प्ले फिल होता क्या, तो करता क्या है बेसिकली, ये करता क्या है कि आपकी बॉल जो है जो पहले थी डिस्प्ले होगी उसको पूरा फिर से ब्लैक कलर से या वाइट कलर जो भी आप डिस्प्ले फिल की वैल्यू दोगे उससे पेंट कर देगा और फिर आपका सर्कल नया ड्रॉ होगा। इसीलिए जब इसको रन करते हो तो कुछ ऐसे ये आपका चलता है, ठीक है, ओके। सब देख रहे हो आपकी बॉल जो है मूव कर रही है, विच इज गुड। ऐसे ही आप वाई बॉल को वाई एक्स बॉल जैसे आपने बढ़ाया वैसे आप वाई को भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी हमने बाउंड्री वाला ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम एक यू नो इसको हम कर देते हैं डन, ठीक है, ओके। तो आप देखोगे आप कैसे मूव करेगा देखेंगे, तो देख रहे हैं आप इस कोऑर्डिनेशन में ऐसे करके नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि बॉल कहीं भी रैंडम आए, मिड में ना आए, मिड में ना आए, कहाँ है, रैंडम है, ये रैंडम जगह पे है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन एक लाइब्रेरी होती है जिसे बोलते हैं रैंडम लाइब्रेरी, उसको इंपोर्ट करेंगे
इम्पोर्ट रैंडम लाइब्रेरी और यहाँ पे हम रैंडम वैल्यूज पास करेंगे, ठीक है। रैंडम वैल्यूज हम पास करेंगे तो हम देते हैं रैंडम वैल्यूज। तो हमने रैंडम ले लिया, ठीक, और उसमें हमने पास किया एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं रैन रेंज। रैन रेंज में हम पास करते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो सपोज दैट हमारा अगर इवेंट आएगा, इवेंट में जीरो से स्टार्ट होगा 800 तक की स्क्रीन है, हम जीरो से 800 ना रख के, जीरो से 800 रख सकते हैं, नो डाउट जीरो से 800 रख सकते हैं एक्स एक्सिस में और जीरो से 800 रख सकते हैं, पर उसमें से कोई भी एक वैल्यू चूज कर सकते हैं। पर उसमें प्रॉब्लम है, अगर वो जीरो पे आएगा तो हम जो हमने जो 10 दिया है यू नो रेडियस, आधी बॉल कट जाएगी। अगर हमारा मान लीजिए स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन है और हमारा बॉल यहाँ पे आता है, यहाँ पे मिड में, तो आप देखोगे आधी बॉल आपकी कट जाएगी, स्क्रीन यहाँ पे भी कट जाएगी। उसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें साइड में बार्स भी तो बनाने हैं, ताकि यू नो वो जो प्लेयर स्टिक है वो भी तो बनानी है जिसको मूव किया जाए। हम क्या बात करेंगे, हम 100 मीटर रख लेते हैं, हम मान चलते हैं 100 पिक्सल की आपकी ये रहेगी जो स्टिक रहेगी, तो आपका यहाँ तक ही आए, सेम यहाँ तक आए, मतलब ये आपका 100 से लगभग जो भी आपने विड्थ है वहाँ विड्थ माइनस 100 तक चले, ठीक है। और ये कितनी कितना अपडेशन करें, 10 पिक्सल अपडेशन करें, ठीक है। सेम 200 सॉरी अगेन इसमें भी यही कर लेंगे, इस बार स्क्रीन कितने पिक्स रहेंगे, इसको हम ऊपर, हमारे तो कोई बार है नहीं, ऊपर कोई बार है नहीं, नीचे कोई बार है नहीं, तो हम इसको जीरो से चलाएंगे, जीरो और हाइट के हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। और ये भी 10 इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और एक वैल्यू और ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं, तो हम स्पीड सपोज दैट बहुत तेज थी, हम स्पीड ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट, स्पीड ले लेते हैं सपोज दैट 2, ठीक, 2 पिक्सल। तो हम यहाँ पे हर बार अब क्या करेंगे, स्पीड ऐड करेंगे, ठीक है। तो स्पीड ऐड करते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। और चलिए लाइट चली गई है तो उसकी वजह से ओके, बॉल आपकी रैंडम कहीं भी आएगी, अगर आप देखोगे तो आपकी रैंडम कहीं भी इमर्ज होगी, ठीक है। तो जितनी बार भी आप ओपन करोगे आपका रैंडम ही आएगी, ठीक। ये हमारी नीचे आई, देखा आपने मिड में, तो होगा क्या, बेसिकली आपका वो इंक्रीज कर रहा है स्पीड, जैसे ही लगा रहे हैं वो साइड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये साइड गई रैंडम आके इस साइड चली गई, क्योंकि एक्स भी बढ़ा रहे हैं वाई बढ़ा रहे हैं, ठीक। पर आपका अगर हम मान के लें कि हमारा बॉल है इस साइड, हमारा यानी कि राइट साइड आपका फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये अप है, ये डाउन है, तो अभी आपका डाउन और राइट साइड यानी कि फॉरवर्ड चल रही है, ठीक। अगर हम स्पीड नेगेटिव कर दें, ठीक है, सपोज दैट वाई वैल्यू नेगेटिव कर दें, तो आप पाओगे कि जो है आपका ये बॉल जो है ये अपोजिट जाने लगेगी, देख रहे हैं आप, हमने सिर्फ वाई को नेगेटिव किया तो ऊपर जाने लगी है, ठीक है। ये चीज जो है हमने छोटी सी देखी, ठीक। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा, इस वीडियो में हमने कुछ चीजें सीखी, हमने एक बॉल बनाई और उसको मूव करना सीखा विथ स्पीड जो कि 2 है, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। स्पीड आपकी 2 है, इसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, चाहो तो गेम जैसे जैसे आगे बढ़े उसकी स्पीड भी बढ़ सकती है, ठीक है। याद रखेंगे हमेशा आपका इंटीजर में ही होना चाहिए, ठीक है। कभी भी इनको हम कभी भी लाइक ऐसा नहीं करेंगे कि हमें जो है ये डेसिमल में दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी ये जो हमें एक्स बॉल और वाई बॉल हमेशा इंटीजर रहेगा, ये हमेशा रैंडम फंक्शन इंटीजर ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2-2 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाउंड्रीज पे कैसे हम करेंगे, अभी हम क्या करें, जैसे चला रहे हैं वो बाउंड्री से बाहर चला जा रहा है और चला ही जा रहा है, वापस आएगा ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बाउंड्री पे टकराए वापस उसको एक इनिशियल रैंडम पोजिशन पे लाएं या उसको बाउंस बैक कराते हैं, ठीक है, वॉल से टकराया और बाउंस बैक करते हैं, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और होपफुली ये समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे और आपको इस अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ, अरे नया टॉपिक नहीं होगा एक्चुअली, सेम ही आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो आगे मूव करेंगे। सो अंटिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।